आज मैं फिर से खेल रहा हूँ मायानगरी का एक्सक्लूसिव डेमो। सही पता तो मायानगरी फिलहाल में अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, तो गेम में काफी बग्स है जो कि आगे चल के सही हो जाएंगे। चलते हैं वीडियो में। अब शहर तो घूम ही लिया है तो थोड़ा अब इस गली को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। दुकान तो बहुत सही बनाई है लेकिन कुछ खरीद नहीं सकते यहाँ से। अरे यहाँ तो मार्केट लगा है भाई, क्या ही पोस्टर लगा है इधर। ठीक है लेकिन ये बेच कहाँ रहा है, कोई NPC ही नहीं है यहाँ। ये थोड़ा अजीब लगा। खैर इस चीज में काफी पोटेंशियल है लेकिन ये ऐसा खाली खाली बहुत अजीब लगेगा। लेकिन इतना तो है कि ये पोस्टर पर तो जरूर काम किया गया है। भाई क्या ही बनाया है इनको, सार्जेंट चले ससुराल। हाँ अगर हम राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम खेल सकते हैं, पर आई होप इन फ्यूचर शायद इससे रिलेटेड कुछ मिशन आए। इसके अलावा आई गेस मैप का ये एरिया थोड़ा ज्यादा पॉश होगा। ऐसा आप देख ही सकते हो काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पर, एंड यहाँ एक पुलिस स्टेशन भी है। एंड फिलहाल तो मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, पर शायद फ्यूचर में ये ओपन हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओ भाई ये क्या है, वो बंदा एक साइन घसीट करके ले जा रहा है। ओ ये एरिया काफी डेवलप लग रहा है, ऐसे यहाँ कोई स्कैफोल्डिंग नहीं दिख रही है। आई गेस थोड़ा जल्दी बोल दिया। ऐसे आगे एक ओवरब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब प्रॉपर इंडिया वाली फील देने का ट्राई किया है इस गेम में। अब देखते हैं ये फुटब्रिज कहाँ लेकर जाता है। ओके तो इसके टेक्सचर तो सही लग रहे हैं। भाई ये दानव यहाँ भी है, और यहाँ पर तो मैं क्लियरली पूरे ट्रैफिक को सुन सकता हूँ जो कि यहाँ के एम्बियंस को ऑन द पॉइंट बनाता है। ओ भाई साहब नशेड़ी व्यक्ति, हाँ वही क्या आगे कुछ बोला ही नहीं। एंड आई गेस मुझे ट्रेन का साउंड भी आ रहा है। वैसे तो इस गेम में ट्रेन होनी चाहिए, अब वो है या नहीं वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। ओके तो फिर से आ जाते हैं स्विफ्ट में। ओ भाई खम्भे वगैरह भी उड़ रहे हैं यहाँ तो इस साइड पर मुझे काफी सारे बिल्डिंग्स एंड होटल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, जीवन हॉस्पिटल। हाँ बस इस जगह पे NPCs थोड़े कम है। इस भाई इंडिया में इन प्लेसेस पर तो काफी सारे लोग रहते हैं, बट लेट्स सी कि आगे क्या चेंजेस आते हैं। क्या यहाँ पर भी फूड मिलेगा, लगता तो नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओह इस साइड में नहीं आया हूँ, ये कोई सी ट्रांसपोर्ट कंपनी लग रही है। ओ भाई फुल फैक्ट्री वाला एम्बियंस है यहाँ पर। एंड सिंस मैं यहाँ घूम पा रहा हूँ इसका मतलब आगे चल के शायद गेम की स्टोरी का पार्ट होगा, एंड शायद हमें यहाँ कोई मिशन करने आना होगा। तो यहाँ इन कंटेनर्स में कार है, वेल ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, पर फिलहाल के लिए तो ये एक लोकेशन से ज्यादा कुछ नहीं है, तो आई थिंक अब मुझे ऑटो पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। वही ये कौन सी पार्टी चल रही है यहाँ। अरे रे रे रे, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, सब गलती इन्हीं लोगों की है। वेल ये चीज़ इसमें अच्छी है कि ऑटो चलाते समय इसका कैमरा एंगल शिफ्ट होता रहता है, एंड अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो नहीं ये बाकी के व्हीकल्स में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पर फिलहाल तो मैं आया हूँ उस कनॉट प्लेस जैसी जगह पर, और भाई पहली बार ये जगह थोड़ी पैक्ड सी समझ में आ रही है। भागो, पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या मुँह यार क्या ही है भाई, जो भी कहो इनके डायलॉग्स तो अलग लेवल पर ही रहेंगे। इसको देखते हैं ये क्या बोलता है। भाई बता दो कौन है आपके पिताजी। अरे सॉरी सॉरी, वो पाइप छूट गया थोड़ा हाथों से। भाई क्या ही है ये क्या हुआ, ये क्या है एडवर्टाइजमेंट, आशीर्वाद गर्ल्स PG। अरे ये रियल है क्या, ये लगा कैसे हुआ है, उड़ रहा है लगता है। चल भाई ऑटो दे, भाई कैसा माल चाहिए इसको। ओके तो लेट्स सी क्या और क्या बच गया है। वो मैं शायद इस एरिया में नहीं गया, तो आई थिंक कि ब्रिज के इस साइड थोड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया है एंड उस साइड का एरिया काफी डेवलप्ड है। वेल ये काफी सही कॉन्ट्रास्ट सेट करता है स्टोरी के लिए, एज मेनली हमारा करेक्टर सिटी के इस साइड पर रिस्पॉन होता है। वैसे रही बात तो मैप के इस साइड पर भी काफी सारे लोकेशंस है लेकिन अभी मैं वहाँ जा नहीं सकता, तो आई गेस मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली है जो कि अभी इस गेम के वर्जन में खेलने को या देखने को अवेलेबल है। बाकी रही बात तो मुझे इस गेम में काफी ऑप्टिमाइजेशन की उम्मीद है। अदर देन दैट आई गेस जब ये गेम फुली रिलीज किया जाएगा देन आपको इसे खेलने में बहुत मजा आएगा। बाकी जैसे इसका कोई अपडेटेड वर्जन आता है देन वैसे ही मैं मायानगरी से रिलेटेड वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।